हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र। और दोस्तों, आज बात करेंगे अपन पॉलिटी में विधेयक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूज होते हैं धन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, ये समझ नहीं पाते हैं। साधारण विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन कौन से विधेयक द्वारा किया जाता है, इन सब के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का आंसर अपन आसानी से दे सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो संसद होती है उसमें लोकसभा राज्यसभा को काउंट करके चलेंगे। राष्ट्रपति भी होता है, पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सबसे पीछे होते हैं, पहले लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए जाते हैं कोई भी विधेयक हो तो। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर राष्ट्रपति के साइन पहले सबसे पहले ही किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं धन विधेयक के बारे में। दोस्तों, इसको कहते हैं मनी बिल, इंग्लिश में आर्टिकल 110 के तहत इसको काउंट किया जाता है। और इसको ये कौन सा विधेयक धन विधेयक ये कौन बताता है? दोस्तों, ये बताता है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों कि स्पीकर है या लोकसभा अध्यक्ष है, वह कौन कौन से विधेयकों को या कौन कौन से जो बिल आए हैं उनको धन विधेयक करार देगा। सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करता है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये करता है स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो दोस्तों, जो अगर सिंचित निधि से कहीं पैसा निकालना है या जमा करवाना है, उस से रिलेटेड जो बिल आएगा वह धन विधेयक कहलाएगा। आकस्मिक निधि में उसी प्रकार जो आकस्मिक निधि में भी अगर धन निकलवाना है या जमा करवाना है तो ये भी धन विधेयक कहलाता है। दोस्तों, संचित निधि के बारे में बात की जाए तो इसका वर्णन संविधान के 266वें आर्टिकल में है। और आकस्मिक निधि के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका वर्णन 267वें जो आर्टिकल है उसमें है। और दूसरी बात बताते हैं धन विधेयक और कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, कर से रिलेटेड, अगर कर से रिलेटेड कोई भी बिल आएगा तो वह धन विधेयक कहलाएगा। चाहे कर को समाप्त करना हो, कर में थोड़ा सा कर बढ़ाना हो, कर को कम करना हो, या उसमें कुछ परिवर्तन करना हो, तो वो सारे बिल्स हैं वह धन विधेयक कहलाएंगे, यानी कि वह मनी बिल कहलाएंगे। और अगर गवर्नमेंट को किसी से उधारी लेनी है तो इसके लिए भी जो विधेयक लाया जाएगा उसको धन विधेयक कहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसको कौन प्रेजेंट इसको लाता है धन विधेयक को? राष्ट्रपति पेश करेगा लोकसभा में। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये सबसे पहले पेश किया जाता है लोकसभा में, जिसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के क्या क्या अधिकार है इस पर, या फिर क्या क्या शक्तियां हैं उसको इस पे। तो दोस्तों, कोई भी धन विधेयक आएगा या मिनी जो मनी बिल है वह आएगा, सबसे पहले लोकसभा में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, यानी निचले सदन में। फिर जिसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में दोस्तों उसको 14 दिन मिलते हैं राज्यसभा को, वह उसमें उसको पारित कर सकती है। पारित तो करना ही है, 14 दिन में पारित नहीं करेगी तब भी वह पारित समझा जाएगा। सुझाव जरूर दे सकती है, पर यह मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। केवल 14 दिन का टाइम मिलेगा उसको, 14 दिन में अगर वह पारित नहीं भी करती है तब भी ये विधेयक पारित माने जाते हैं। बात करते हैं वित्त विधेयक की। तो दोस्तों, वित्त विधेयक को समझने से पहले ये वाला चार्ट समझिए पहले आप। दोस्तों, यहाँ पर मनी बिल, सभी प्रकार के मनी बिल फाइनेंशियल बिल कहलाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के धन विधेयक वित्त विधेयक कहलाते हैं। पर इसका उल्टा सही नहीं है, सभी प्रकार के वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ से इस चार्ट से आप समझ जाएंगे अच्छे से। इसको पेश किया जाता है लोकसभा में, फिर जिसके बाद राज्यसभा में, और साधारण विधेयक की तरह इसको इस पे ट्रीट किया जाता है। राज्यसभा को सभी पावर्स होती है जो साधारण विधेयक में होती है, मतलब जो अगर धन विधेयक है तो वो तो पारित करना ही है राज्यसभा को, पर और दूसरे बिल हैं जो धन विधेयक के अलावा, तो उनको राज्यसभा साधारण विधेयक की तरह ट्रीट करती है। गतिरोध हो तो दोस्तों इस पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि जो संयुक्त अधिवेशन है कौन से अनुच्छेद के तहत उसको रखा गया है। संयुक्त अधिवेशन बहुत ही अच्छा नंबर है जिसको अपन लकी नंबर मानते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कौन से विधेयक के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और दोस्तों, वित्त विधेयक में राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो पावर भी रहती है, वो उसको वापस भेज भी सकता है। पर एक बात जरूर यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक बार उसको भेज सकता है, पर दूसरी बार भी अगर वह
लोकसभा राज्यसभा से पास होके आ गया है तो राष्ट्रपति उसमें मना नहीं कर सकता है। दोस्तों ये तो थे धन विधेयक और वित्त विधेयक। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक दोस्तों अनुच्छेद 368, दोस्तों जो संविधान में संशोधन होता है वह कहाँ से लिया गया है ये कमेंट बॉक्स में लिखना। अब चलो बता देता हूँ, मत लिखना इसको। ये लिया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाता है, जो साधारण संशोधन होते हैं वह संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं, किसी में भी पेश किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर कोई बाधा नहीं है, आप राज्यसभा में पेश कीजिए या लोकसभा में पेश कीजिए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने के बाद प्रत्येक बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, एक्ट और बिल में यही अंतर है। बिल बिना राष्ट्रपति के साइन के होता है, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये एक्ट कहलाने लग जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सदन जो राज्यसभा है, इसको खारिज भी कर सकती है, लंबित भी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं है इसके लिए कोई टाइम सीमा, ठीक है। वैसे 6 महीने के लगभग यहाँ पर वैसे टाइम सीमा कुछ नहीं है। संविधान संशोधन के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पहले राज्यसभा की पूरी बता दो, पावर पारित कर सकती है, सुधार कर सकती है, सुधार के लिए कह सकती है, एक बार वापस कर सकती है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको पारित भी कर सकता है, सुधार के लिए कह सकता है, एक बार इसको वापस भी कर सकता है। पर दूसरी बार आएगा तो प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके ही भेजेगा और वह एक्ट बन के ही आएगा राष्ट्रपति के पास। इधर से तो बिल बन के जाएगा और उधर से क्या है वह एक्ट बनकर वापिस आएगा। अब बात करते हैं संविधान संशोधन की। दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत क्या होता है यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको। विशेष बहुमत होता है दोस्तों 2/3, वहां पर जितने जो MLMPs प्रेजेंट है उसका 2/3, 2/3 मतलब 100 में से 75, मतलब 100 में से 66, 66 दोस्तों ध्यान रखना। तो मतलब इतनी प्रजेंस, जो प्रजेंस है उसका 2/3 बहुमत होना जरूरी है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो दो प्रकार से संविधान का संशोधन होता है दोस्तों। एक प्रकार का तो ये हो गया विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाए, वो संशोधन मान लिया जाता है। दूसरा जो संशोधन होता है वो होता है दोस्तों आधारभूत ढांचे से रिलेटेड। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना आधारभूत ढांचे की जो संकल्पना है कौन से वाद के तहत आई थी या कौन से वाद के तहत ली गई थी, ठीक है। आधारभूत ढांचा वो होता है दोस्तों जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, संविधान का, और उसमें संशोधन मतलब उसको पूरी तरह चेंज नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, उसमें कुछ घटाया जा सकता है, कुछ हटाया जा सकता है, पर उसमें पूर्णता बदलाव नहीं, उसको पूर्णता बदलाव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसको क्या है विशेष बहुमत मतलब 2/3 से पास, बहुमत से पास करवाना पड़ता है दोनों सदन में, और आधे से अधिक राज्यों से भी पारित भी करवाना पड़ता है। आधे से अधिक दोस्तों अभी जो इंडिया है उसमें राज्य है 29, तो यहाँ पर 15 राज्य से पारित करवाना अति आवश्यक है। अब बात कर लेते दोस्तों NGSC। दोस्तों ऐसा एक जो आधारभूत ढांचे से रिलेटेड संशोधन था वह था NGSC, नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमिटी। तो दोस्तों इस जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि जो चीफ जस्टिस होता है उसका और दूसरे न्यायाधीश होता है उसका चुनाव करेगी कौन, एक कमेटी। पर यहाँ पर ये राज्यसभा में पास कर दिया, लोकसभा में पास कर दिया और आधे से ज्यादा राज्यों ने भी पास कर दिया, जिसके बाद पुनर्वलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देता है। कारण वही बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे के कारण इसको रिजेक्ट कर देता है जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कहता है कि ये आधारभूत ढांचे को ढांचे में परिवर्तन है इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है। दोस्तों उसी प्रकार GST था, GST भी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों से पारित किया था और ये फिर बाद में बिल बन जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। दोस्तों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं, साइंस भी पढ़ाई जाती है दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है, इंडियन हिस्ट्री चल रही है, प्राचीन भारत आधुनिक भारत भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।